औज़ु बिल्लाह मिनश शैतान जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील, काशिफ रूहानी जंतरी और यूट्यूब चैनल रूहानी का टीवी की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक आपके वीकली हॉरोस्कोप वाले से, यह हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज पाइसिस तक, यानी बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हूद तक आपके सितारे क्या कह रहे हैं, आपके लिए यह हफ़्ता कैसा रहेगा, इस हफ़्ते में आपके कैसे हालात रहेंगे, ये एक मुख्तसर सा जायज़ा जो है इस वीडियो में हम आपसे लेंगे। इस वाले से आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले दो तीन बातें आपको बताना चाहूँगा कि इस वीक में कौन कौन से अहम इवेंट्स आ रहे हैं जो डेफिनेटली आपके हॉरोस्कोप पर इफ़ेक्ट करेंगे, उसके डेफिनेटली असरात जो हैं वो आपके हॉरोस्कोप पर पड़ सकते हैं। सबसे पहली तो बात यह है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 16 तारीख को इस वीक में चांद ग्रहण आ रहा है। चांद ग्रहण बहुत बड़ा इवेंट है और ये चांद ग्रहण के असरात जो हैं पूरी दुनिया में मुरतब होते हैं। नो डाउट कि ये ग्रहण पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान में डेवलप होंगे और इस हवाले से एक हम कुछ वीडियोज़ जो हैं वो आपको इंशाल्लाह अपलोड आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जिसमें चांद ग्रहण के सदकात वज़ाइफ, चांद ग्रहण का वक्त, तारीख और उसके दीगर मामलों के हवाले से क्या असरात होंगे वो आप उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद जो है कमर दर अकरब का इवेंट आ रहा है 16 से 18 तक, और इसके बाद जो है खसूसी तौर पे एक जो अहम वक्त आ रहा है वो आ रहा है 20 मई को। 20 मई को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक शर्फ जोहरा का वक्त आ रहा है 20 और 21 मई को, तो ये भी एक बहुत अच्छा वक्त है। अब अब शुरू करते हैं हम आपका एरिस से लेकर पाइसिस तक हॉरोस्कोपी पोजीशन, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले एरिस वालों के लिए ये हफ़्ता जो है आपके कुव्वत एतमाद में इजाफ़ा हो रहा है, कुव्वत गुफ्तार में इजाफ़ा हो रहा है, आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बेहतर हो रहा है, आपके ऊपर से जो डिप्रेशन के फ्रस्ट्रेशन के असरात थे वो ख़त्म हो रहे हैं, आपकी तबीयत पे जो सितारों की नहुसत की वजह से, गर्दिश की वजह से जो ऐसी एक लो मूड था, गफलत सी तारी हुई हुई थी, कुछ मायूसी सी तारी हुई थी, वो ख़त्म हो रही है। आप बहुत एक्टिव होके, बहुत एनर्जी लेके और बहुत ही हिम्मत से, हार्ड वर्क से इस वीक में काम करेंगे और उसको आपको बेहतरीन और शानदार रिजल्ट मिलेंगे। टॉरस बुर्जेसोर, ये हफ्ता आपका बदौलत के हिसाब से मालोमाल हफ्ता है, खुशहाली तरक्की आएगी। आप बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप कोई भी किसी भी प्रोफेशन से अटैच है, माशी तौर पे आपके हालात में बेहतरी आती हुई नज़र आती है। माशी मामला बेहतर होंगे, फाइनेंशियल कंडीशंस बेहतर होंगी, आपके मामला में बेहतरी आएगी। वो बहुत सारी डील्स, बहुत सारे ऐसे काम जो फाइनेंशियली आपके पेंडिंग चले आ रहे थे वो मामला ठीक होते हुए नज़र आएंगे। अगर कोई पेमेंट्स रुकी हुई थी तो वो आपकी हफ्ते में आपको मिलती हुई नज़र आती है। जेमिनी वालों के जो घर वालों के साथ तल्लक़ ख़राब हो गए थे, दोस्तों के साथ तल्लक़ात में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो ठीक होती हुई नज़र आती है। ये हफ़्ता सोशल लाइफ के हवाले से बहुत बेहतर हफ्ता है, इसमें आपको नए अच्छे दोस्त मिल सकते हैं, बहुत सारे पुराने दुश्मनों से सुलह होने का इम्कान है, मुखालफत जो आपकी होती थी उसमें कमी आएगी। अगर कोई लिटिगेशन या कोई केसेस के मामला चल रहे थे तो उनमें भी आपकी सुलह होने का इम्कान है। कैंसर, सैर तफरी के मौके आपको बुर्ज सरदान वालों को इस हफ़्ते में ज़्यादा मिलेंगे, आपको सफ़र के मौके मिलेंगे, सफ़र चाहे बिज़नेस का सफ़र है, चाहे आपका तालीम का सफ़र है, चाहे आप अजीज़ों कारब से मिलने जा रहे हैं, आपकी तबीयत में रिफ़्रेशमेंट आएगी, आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। बहुत सारी तकारीब में शिरकत करने का आपको मौका मिल सकता है, जहां आपको खसूसी अहमियत दी जाएगी, और ये हफ़्ता जो है खसूसी तौर पर सैर तफरी और सफ़र के हवाले से फैमिली के साथ भी आपको सफ़र और आउटिंग करने का मौका मिलेगा। ल्यू वालों के लिए आपके जो तबीयत में पुरज वालों के जज्बात पाए जाते थे वो जो मनफी जज्बात थे कम हो रहे हैं, आपकी तबीयत में कुछ हसद की कैफियत है, कुछ गुस्से की कैफियत है, लोगों के लिए कुछ बदगुमानियाँ हैं, कुछ गलत फहमियाँ हैं, आपके जहन में कुछ लोगों के लिए कुछ ग्रीवेंसेज हैं तो वो कम होते हुए नज़र आते हैं। आप अपने आप को तब्दील करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको अपनी तबीयत में पॉजिटिविटी लाएंगे, आप नेगेटिव थिंकिंग के बजाय पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ से उसको एक्शन लेंगे, और उसकी पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से, पॉजिटिव सोच की वजह से आप बहुत सारे ऐसे मसाइल जो बिलावजह के पैदा हुए थे उनको हल करने में कामयाब हो जाएंगे। वर्गो वालों के लिए, बुर्ज शिमला वालों के लिए ये हफ़्ता जो है उनके कारोबारी या बिज़नेस में इजाफा लेके आ रहा है,
आपकी बिज़नेस अप्रोच में इजाफा हो रहा है, आपकी बिज़नेस की सोच में इजाफा हो रहा है, आप अपने काम के अंदर कोई नयापन पैदा कर रहे हैं, कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस नहीं कर रहे तो ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ जा सकते हैं। जो लोग जॉब्स कर रहे हैं उनमें जॉब्स में कोई ऐसा बेहतर काम करेंगे जिससे आपकी तनख्वाह या आपकी प्रमोशन या आपको कम से कम ऑफिस में सराहा जाएगा और उसके बहुत अच्छे असरात आपकी प्रोफेशनल करियर पर मुरतब होंगे। तो ये हफ़्ता जो है ये आपकी सलाहियतों को बेहतर करने का हफ़्ता है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बेहतर हो रही है। लिब्रा वालों के लिए एक बहुत सारी रुकावटें ख़त्म हो रही हैं। अगर आप कोई नई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, नई मोटरसाइकिल लेना चाह रहे हैं, घर के लिए कोई अच्छा सामान लेना चाह रहे हैं, अपने दफ्तर के लिए कोई बेहतर रेनोवेशन करना चाह रहे हैं, आप ज़मीन जायदाद की ख़रीदारी करना चाह रहे हैं, तो ये लिब्रा वालों के लिए हफ़्ता जो है बहुत ही खुशियों का पैगाम ला रहा है, बेहतरी का पैगाम ला रहा है। इसमें आपको भरपूर नफ़ा ख़ासतौर पर ज़मीन जायदाद के काम में मिलता हुआ नज़र आता है। स्कॉर्पियो वालों के लिए जो घरेलू तलकात लाइफ पार्टनर के साथ कोई कशीदगी हो गई है, ससुराल वालों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, अजीज़ों कारब के साथ कोई मसाइल चल रहे हैं, दफ्तर में कुलीग्स के साथ कोई क्लैश चल रहा है, आपके ऊपर कोई इंक्वायरी चल रही है ऑफिस में, या आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में पार्टनर्स के साथ कोई कशीदगी पैदा हो गई है, तो वो ये हफ्ते में आपकी ये तमाम जितने भी प्रॉब्लम्स थे ये सॉल्व होते हुए नज़र आते हैं। कोई फ़र्द, कोई आपका जानने वाला, कोई मुखलस जो है वो आपकी सुलह करवा देगा, आपके मामलात को सेटल करा देगा, आपको कोई अच्छा मशवरा दिया जाएगा, कोई ऐसे हालात बनेंगे जिससे आपकी ये जो मनफी पन आपके रवैये पे छाया हुआ था, आपकी सोशल लाइफ बिल्कुल डैमेज होकर रह गई थी, वो ठीक हो जाएगी। सेक्रेटेरियस वालों के औलाद के साथ तलकात में जो प्रॉब्लम पैदा हुई थी वो ठीक हो रही है, बच्चे आपके हक में होंगे, आपकी तवज्जो बच्चों की तालीम और तरबियत पे रहेगी, बच्चों की अच्छी तालीम के लिए, बच्चों के लिए अच्छे ट्यूशन्स का इंतज़ाम, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल्स का कॉलेजेस का इंतज़ाम, उनके स्टडीज़ एनवायरनमेंट के लिए और उनके ज़िंदगी के दीगर मामलों के लिए जो केयर करनी चाहिए उसकी करेंगे। इसके अलावा औलाद के हवाले से यह है कि अगर आप दूसरे मुल्क में बच्चे गए हुए हैं तो उनकी तरफ से जो है रवैया और बेहतर होगा, आपकी केयर करने की तरफ आएंगे। और इसके अलावा जो है वो सफ़र के हवाले से यह जो हफ़्ता है सेक्रेटेरियस वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग सफ़र जिनकी बंदिश लगी हुई थी वो सफ़र की बंदिश ख़त्म हो रही है, उनको वीज़ा या अगर कोई उनको डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं है तो डॉक्यूमेंट मुकम्मल होते हुए नज़र आते हैं। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए स्टडीज़ के लिए हफ़्ता बहुत अच्छा है, आपकी इल्मी सलाहियत इजाफा हो रहा है, आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, आपकी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा हो रहा है, आप एक बहुत सारे नॉलेज हासिल करने में कामयाब होंगे, कोई नई बुक्स में, कोई नई क्रिएटिव वर्क करने में आप मसरूफ़ होंगे और आपको बहुत सारी नई चीज़ें, नई मालूमात इस हफ़्ते में हासिल करने में कामयाब होंगे। स्टडीज़ में भी जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी वो भी आपकी दूर होती हुई नज़र आती है। कैप्रिकॉर्न के बाद जो है एक्वेरियस वालों के लिए यह है कि ये आज इस हफ़्ते में आपको बहुत सारे मुखलस लोग, मुखलस दोस्त मिल सकते हैं, मुखलस साथी मिल सकते हैं, मुखलस रिश्तेदार मिल सकते हैं, बुज़ुर्गों का साथ रहेगा, वालदैन बड़े बुज़ुर्गों के साथ उठने बैठने का मौका मिलेगा, उनकी दुआएं लेने का मौका मिलेगा, अच्छे और पुराने दोस्त जिनको आप खो चुके थे आज उनमें से किसी दोस्त से अचानक इस हफ़्ते में आपकी मुलाकात हो सकती है, मुखलस दोस्तों का और समझदार और अक्लमंद दोस्तों का साथ मिलेगा। लाइफ पार्टनर के साथ भी आपके तलकात में बहुत बेहतरी आएगी, लाइफ पार्टनर के साथ जो है वो आपके जो कोई क्लैश था वो ख़त्म होता हुआ नज़र आता है इस हफ़्ते में। पाइसिस वालों के लिए हफ़्ता जो है अचानक दौलत पैसा हासिल करने के लिए बहुत अच्छा हफ़्ता है। अगर आपने कोई इनाम बॉन्ड खरीद रखे हैं अभी तक आपका इनाम नहीं निकला तो ये हफ़्ता आपके लिए इनामी चांस लेके आ रहा है, इनामी चांस में आपको कामयाबी मिल सकती है। अगर आपने कोई ज़मीन लेकर छोड़ी हुई और अगर आप इन्वेस्टमेंट की हुई थी और आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था तो ये हफ़्ता आपको रिज़ल्ट देता हुआ नज़र आता है। इस हफ़्ते में खसूसी तौर पर आपका कोई छुपा हुआ टैलेंट जो है वो ज़ाहिर होता हुआ नज़र आ रहा है। आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, आप अच्छे वर्कर हैं, आप अच्छे जॉब करने की सलाहियत रखते हैं, आप में कुछ स्किल है, आप ऑनलाइन बिज़नेस में बेहतर काम कर सकते हैं, आप सेल्स मार्केटिंग में बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने टैलेंट का अंदाज़ा नहीं है कि आपके अंदर क्या टैलेंट छुपा हुआ है, आप अपने टैलेंट से आगाह नहीं है और बाज़ का टैलेंट का एक्सप्लोर ना होने की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो ये हफ़्ता आपके टैलेंट को ज़ाहिर करेगा, आपको कोई ना कोई ऐसे चांस मिलेंगे जिससे आप अपने कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा, कुछ अच्छे लोगों का साथ मिल सकता है, कुछ ऐसे लोगों का साथ मिल सकता है जो आपके टैलेंट को समझते होंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, आपको मौके दिए जाएंगे और आप इस हफ़्ते में अपने जो भी आपके मामले आते हैं उनमें बेहतरी करने में कामयाब हो जाएंगे। और सितारा मुश्तरी जो आपका ज़ाती सितारा है वो इस वक्त आपके अपने हाउस में बैठा हुआ है,
खुशबख्ती का सियारा है, खुशकिस्मती का सियारा है, खुशहाली का सियारा है, तरक्की और कामयाबी का सियारा है, और वह उसके बेहतरीन पॉजिटिव असरात आपको मिल रहे हैं पाइसिस वालों को। तो ये आपको ख़ास तौर पर ऐसे मौके पर लोहे मुश्तरी भी बनवा के अपने पास रखने चाहिए, उसके डेफिनेटली बहुत बेहतर असरात आप पे मरतब होंगे। तो ये एक मुख्तसर सा जायजा था आपके 12 बुर्जों का, जिसमें हमने बयान किया कि आपके लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। इसमें ख़ास तौर पर इस हफ़्ते में जो तमाम बुर्जों के लिए इसमें आज़म हो या वासी हो या रजाक हो, ये दो अल्लाह के नाम में इनका वर्द करें 313 बार या 786 बार और अल्लाह का 700 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ। तमाम बुर्जों के लिए लकी नंबर जो है वो 3, 4, 5 है, 3, 4 और 5। आपके लिए सदकात जो हैं इस हफ़्ते में ख़ास तौर पे सफ़ेद रंग की अशिया का सदका, चूँकि चांद का महीना है, इसमें कमर दर है, अकरब भी आ रहा है, चंद ग्रहण भी आ रहा है, तो आटा हसब तौफीक 2 किलो आटा, 4 किलो आटा, 5 किलो आटा, 10 किलो, जितना आप तौफीक से ज़रूरतमंद को दे दें, चावल, चीनी, दूध, ब्रेड, अंडे की सफ़ेद मिठाइयाँ, कोई भी ऐसी चीज़ जो सफ़ेद रंग की है वो आप जो है बतौर जो है ज़रूरतमंद किसी भी ज़रूरतमंद को उसकी मदद कर सकते हैं उससे। इसके अलावा अगर आपको अपना लकी स्टोन हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे से लकी स्टोन में अपना दरियाफ्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अपने बहुत सारे किलो लोहे मुश्तरी, लोहे तारत, लोहे शम्स, लोहे मरीख और 7 स्टारों के लोग भी हमारे से आप बनवाने के लिए हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आज का दिन हम सब के लिए बेहतरी का बायस बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।